ये माइथी सियांग रिवर को बोल रहे हैं, जिसको पासीघाट मालेघाट का नाम से जाना जाता है। ये भी स्पोर्टिंग के लिए है, ये हमारा मार्केट के लिए यहाँ से हमारा मालियांग जो इसी रूट से जा रहा है, हमारा गामबुक भी और बाकी ईस्टर्न पार्लियामेंट होने से भी यही रूट है जो हमारा एक लाइफ लाइन भी है, तो इसको माइथी सियांग रिवर बोलते हैं। और इंपोर्ट में शाम को अभी ये स्मार्ट सिटी का रूप से ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये अभी खुद देख रहा है, ये इसका लाइफ है, ये इसको अभी बरकरार रखना चाहिए। और ये रूरल सेक्टर में काम आया बाकी स्टेट से भी मानते हैं, आसाम से भी हमें काम कूल ठंडा हुआ है, इसका मजा भी ले सकता है। लाइफ इसके लिए है, अभी डिस्ट्रीब्यूटेशन भी है और सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी है। इसमें जो हमारा यहाँ टीनेजर हो या एजेड पर्सन हो, रिटायर्ड पर्सन हो, आराम से ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जो कि उसकी लंबा है, सिक्योरिटी पॉइंट भी आ जाएगा। लेकिन यही हम दरख्वास्त करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बाकी का सिक्योरिटी हो, ये आपका प्रॉपर्टी है, इसको आप सिक्योर रखिए, इसको आप अक्सर करिए, इसको ताकि बाहर वाला बाहर का आदमी भी आकर ये टूरिज्म आने से भी ये ब्यूटी से जो ये ब्यूटी को एंजॉय कर सके। तो ये हमारा तरफ से हमारे पास कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है सर। ये भी आपका एक रिकॉर्ड है, एक मेमोरी है आप दोनों का समय पर, ये एकदम ब्यूटिफिकेशन का साथ ये एलुमिनेशन जो रनर करती है सर, अब इसको ये मेमोरी के तौर पर ये पब्लिक को एक एक तौर पर की का प्रिजर्वेशन को लेकर अब उसको पब्लिक के ऊपर मैसेज देते हैं। पासीघाट का पब्लिक को केंद्रीय सिलेक्शन को मैं आता हूँ और ये हम रिक्वेस्ट इसका साथ साथ रिक्वेस्ट है कि ये अपना फोटो की इसलिए कोई भी आदमी जरूरत न करे, क्योंकि सैरसार करेगा तो नहीं होगा, तो इसलिए इसको ब्यूटिफिकेशन के लिए हम अपने स्मार्ट सिटी से 1.4 करोड़ दिया हुआ है। तो इसको जब इतना सुंदर से बनाया गया है तो ऐसा ही रखने से हमारा टूरिस्ट के लिए भी अच्छा होगा, तो देखने वाला लोगों के लिए भी अच्छा होगा। सर क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी ये लाइफ जो है कितने टाइम से कितने टाइम तक कर रहे हैं एग्जाम? नहीं टाइम तो ये इवनिंग से मॉर्निंग कर रहे हैं, टाइम तो जरूरी है क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ सेक्योरिटी और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी है। ओके सर, ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि आप कौनसान ये यहाँ इनका डीसी है, यहाँ पे कितना ये लास्टिंग होगा इसके बारे में भी आप बोलना चाहिए, पब्लिक को भी खुद डैमेज हो सकता है सर, वो एंगल को क्या बोल? नहीं वो एंगल के लिए तो मैं पब्लिक को रिक्वेस्ट किया था, ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है तो अच्छा रखेगा तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जब पब्लिक कोई मैंने पब्लिक भी सब कुछ नहीं करेगा, लेकिन कोई एक दो आदमी अगर खराब करेगा फिर तो ये इशू भी प्रॉब्लम आएगा, लाइफ भी खराब हो जाएगा, तो ये सब के लिए खराब होगा। थैंक्स। अब यहाँ के लोकल विधायक है और साथ साथ हम लोग पासीघाट का आप ये है पार्टी है सर, ये आप ये तो लाइफ को आप उद्घाटन करते हैं सर, कैसा फील कर रहे हैं? ये अभी पासीघाट से एक प्रॉपर्टी है, ये अभी पासी का ब्यूटिफिकेशन कर रहा है, तो ये अभी आप देखिए अभी ये लाइफ है कितना अच्छा लग रहा है, मैंने तो अंधेरा था, अभी ब्यूटिफिकेशन कर गया, टूरिज्म भी बढ़ेगा और लेकिन ये पासीघाट सिचुएशन से ये करना चाहूँगा, ये अभी पासीघाट की प्रॉपर्टी है तो आप सिक्योर रखिए, हमारा प्रॉपर्टी का रूप हम रखना पड़ेगा ताकि बाहर वाला जो हमारा टूरिज्म है वो भी एंजॉय करे। और ये है ये ब्यूटी सियांग रिवर के ऊपर है जो
हमारा एक लाइफ लाइन है परसियान के लिए, मौर्यान के लिए, दमबुक के लिए, कांकी के लिए, वो स्टंट पार्लियामेंट का इसका एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है ये ब्रिज का, जिस ऊपर में इसको दमकों का नाम से भी जाना जाता है। तो अभी ये एक हमारा एक प्रॉपर्टी है, तो हम तो यही दोबारा करना चाहूँगा कि इसमें अच्छा से रखेगा, काफ़ी का सिटीजन इसका ब्यूटी को इंजॉय करे, ताकि काफ़ी बाहर से भी जो भी सिटीजन आए या टूरिज्म आए वो भी इंजॉय कर सकते। ओके सर, क्या बोलते हैं ये लाइव जो है टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग इसका है अभी ये ऑटो टाइमर है, ये है इवनिंग समर को से ऑटो ऑन होगा, हमारी 5 बजे बंद हो जाएगा। लेकिन विंटर को ये थोड़ा अर्ली कर रहा है, विंटर को 5 बजे से ये लाइट जलेगा और मॉर्निंग 5 बजे ये ऑटोमेटिक बुक जाएगा। ये फुल्ली ऑटो सिस्टम है, आप जाकर स्विच ऑन करना नहीं है, मोबाइल से पूरा हो रहा है। ओके सर, ये स्मार्ट सिटी का अंदर है बोलते हैं सर, कितना लागत लगा इस पर? स्मार्ट सिटी का तरफ से अभी एज पर DPR 1.5 CR का है, ये डिजिटल नोटिफिकेशन का बोल एवरीथिंग 1.5 में आ रहा है। ओके सर, क्या बोलते हैं जैसे कि ये मीडिया की तरफ से, न्यूज़ की तरफ से हजारों लाखों आदमी देखेगा, तो आउटर को मैं ये अरुणाचल से आउटर पासीघाट का आउटर में जो टूरिस्ट आएगा, पब्लिक आएगा, उन्हें तो पासीघाट में ये लाइट को, ये ब्रिज को एडवेज करने के लिए आप यह मैसेज देता, क्या एडवाइस देते? मैं तो ये कहूँगा कि एक्चुअली बाकी मेट्रोपोलिटन सिटी में तो ये ऑलरेडी वो लोग एंजॉय कर रहा है लाइट में का, लेकिन हमारा मान के चलो पासीघाट हो या हमारा क्रिश्चियन बाकी जिला में ये हमारा ये डिस्ट्रिक्ट का जरा कम है, उस पर हम लोग बोर्ड मीटिंग में यही पास किया था कि रानीघाट लाइफ लाइन ब्रिज है और लंबा भी है, यानी काफ़ी इस चीज़ को सीनियर है, रिटायर्ड ऑफिसर है, रिटायर ग्रुप ऑफ कैडर, लोग वॉकिंग के लिए भी आ जाते हैं। देखिए लाइटनिंग फायदा मल्टीपल फायदा है, ब्यूटिफिकेशन तो है ही है, और जो हमारा सीनियर सिटीजन को एक सिक्योरिटी फील होगा, काफ़ी अभी अंधेरा नहीं फुल लाइट है, वो आराम से इंजॉय कर सकेगा, जो लेट लाइन में भी वॉक कर सकता है या टाइम पास के लिए भी आ सकता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी। एक्चुअली सर ये कहने में ये कुछ गलत नहीं है, और ये पॉलिटिकल एंगल पे देखा जाए तो जैसे कि हम लोग जो है हम लोग इधर सीखते हैं आया बहुत कठिन था, सर ये चीज़ को आज के ये विक्टिम फ्रॉम जो एलिमिनेशन जो तो उद्घाटन करके आप पर्सनली कितना आपका लीडरशिप है, आप प्राउड फील कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? ये हमारा भी एक हम तो ये बोलेगा कि लकी है कि स्मार्ट सिटी आया, स्मार्ट सिटी काफ़ी सिटी ट्राई किया लेकिन नहीं मिल पाया, तो पासीघाट का पार्टिसिपेंस भी अच्छा था और पासीघाट का लोकेशन को भी जो स्मार्ट सिटी कमिटी ने अच्छा लगा, एक्सपेंशन प्रोविजन भी है, सिक्योरिटी है, तो अभी स्मार्ट सिटी के रूप से पासीघाट में तो काफ़ी डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रहा है, आप बाकी के लिए हेल्थ सेक्टर में होने से भी एजुकेशन बोलिए, स्पोर्ट्स बोलिए, स्टेडियम बना रहा है, स्कूल बना रहा है, हेल्थ में भी, मेडिकल में भी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी है, मैंने इवन IT सेक्टर में भी है, सब चीज़ को कवर करके रखा है अभी स्मार्ट सिटी का रूप से, और ये एक हमारा लिए एक बेनिफिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो स्मार्ट 100 स्मार्ट सिटी में पासीघाट भी है, इसके लिए तो जैसे हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ तो उसका विचार था कि इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी होना है, और लकी है पासीघाट सिटीजन है और पासीघाट का जो वैल्यू सर है सब पार्टिसिपेट करके स्मार्ट सिटी में बना, और लकीली मैं इस समय 2014 में विधायक भी था, तो काफ़ी काम करना पड़ा, और लकीली PMC था, म्यूनसिपलिटी काउंसिल अरुणाचल में ईटानगर और पासीघाट में था, उसका भी काफ़ी हमें बेनिफिट मिला। हम लोग MLA सर को पूछना था, ये फैक्ट है, पब्लिक भी ये पूछ रहा है, जानना चाहते हैं, तो MLA सर से हम ये जानना चाहता है, ये जैसे कि सपोज हम चल रहा है, हमें भी ये उसे करता है, ये भी पार्ट टाइम पे आ जाए, तो सर से MLA सर से ये जानना चाहता है सर, जैसे कि आपका एक टारगेट था प्रियोरिटी था, जैसे कि आप जैसे कि लास्ट टाइम में आपका एक प्रियोरिटी था प्रियोरिटी को आप डेवलपमेंट के तौर पर कितना कम्प्लीट किया, और अभी नेक्स्ट आ जाते तो आपका डेवलपमेंट फिर से लेके, एजुकेशन को लेके, मेडिकल को लेके आपका मैक्सिमम प्रायोरिटी आप क्या रखेगा? अभी आप लास्ट टाइम के बोलने से तो हम लोग एक इलेक्शन हमारा विचार है जितना बेनिफिट जितना पॉइंट था अभी पूरा ओवर हो चुका था, लास्ट का हमारा वाईफाई था, अभी वाईफाई भी
हमारा मेडिकल में लग रहा है, वाईफाई अभी बहुत अच्छे लग रहा है। जी मेला खुल गया, आपको वाईफाई सुन ही नहीं दे रहा है। लेकिन इतना से यहां जंग है, फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एजुकेशन बोलने से अभी हम लोग स्कूल भी बना रहा है और कॉलेजेस बोलने से यूनिवर्सिटी अभी बन रहा है, इस साल 2023 से शुरू हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में बोलने से अभी पासीघाट में क्रिटिकल केयर यूनिट 50 बेडेड का ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और अनदर 300 बेडेड अभी पासीघाट में पासीघाट जनरल हॉस्पिटल में दिया गया। ऑलरेडी हमारे पास एक स्टेडियम है और हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट है आईसीडीएसिटोर इंडिपेंडेंस से बना हुआ था, उसका अभी वहाँ में गुंडी स्कूल का रिनोवेशन है, न्यू स्टेडियम बन रहा है और अनदर है डी रिंग हायर सेकेंडरी स्कूल, न्यू स्टेडियम बन रहा है और आउटडोर स्टेडियम और विथ बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है। कन्वेंशन हॉल पासीघाट में अभी दो नया कन्वेंशन हॉल बन रहा है, एक टाउन प्लानिंग ऑफिस का सामने था जो अभी उसको डिसमेंटल करके नया बना रहा है जेएनसी में, तो मोटा मोटी सब सेक्टर को ही कवर कर रहा है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, यातायात आप रोड नेटवर्क तो आप खुद पासीघाट में खुद देख लीजिए, तो मोटा मोटी 80% ऑफ सेक्टर रोड ऑलमोस्ट सीसी रोड में है, तो बाकी लोग को हम लोग आने वाला दिन में भी चेकअप कर रहे हैं। यह हमारा एक एजेंडा भी था। ओके व्यूअर्स, आज जो हम लोग का यहाँ का पासीघाट का एमएलए जो है ये ब्रिज का सियांग ब्रिज का जो इल्यूमिनेशन जो ये कोरानागत एलिमिनेशन जो ये उसको उद्घाटन हुआ, तो हम पब्लिक को व्यूअर्स को हमारा कहने का मतलब ये है आज का ये इल्यूमिनेशन जो ये है उद्घाटन हुआ उसका फायदा पब्लिक को फायदा ये जैसे कि अंदर हम लोग हाथ में अंदर ये पहले लाया है, हम लोग जो कैमरा मैन है लाइट नहीं है लेकिन लाइट को जोड़ के हम लोग का कैमरा को भी कितना बेकार दिया और पब्लिक जितना मूवमेंट है इतना फ्रीली कर रहा है, ये एक रियली मैंने हम लोग का पासीघाट के लिए एक बहुत प्राउड है। और ये पासीघाट ड्यूटी हो गया सियांग एक बहुत दूर से किलोमीटर दूर से भी उसको ब्रिज को दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा सा है। ये पब्लिक को ये व्यूअर्स को अपील है जैसे कि हम लोग एमएलए सर कहा, डीसी सर कहा, ये प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन करना है, पब्लिक एवरी पब्लिक जो है ये प्रॉपर्टी को अपना सोच कर मेंटेन करके उसको डेवलप नहीं करना है बोलते हम लोग का तरफ से भी हम लोग ये अपील है। थैंक यू।